दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वाटर पंप को चार जगह से ऑन ऑफ करने का तरीका क्या है, उसकी वायरिंग कैसे होनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये हम बोर्ड तैयार करेंगे। इस बोर्ड के अंदर ये ग्राउंड फ्लोर पर लगेगा। एक इसमें लाइट इंडिकेटर है और इसमें सॉकेट है, एक ऑन ऑफ स्विच है, और तीन हमारे ये वाले स्विच हैं जो हमारे तीन डिफरेंट पोर्शनों पे लगेंगे। आप अपने पोर्शन पे रह के मोटर ऑन जो है वाटर पंप मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वायरिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये हम स्विच और ये लाइट और सॉकेट तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि बटन ऑन हो और सॉकेट और लाइट के अंदर करंट आ जाए, लाइट हमारी ऑन हो जाए ताकि पता चले कि हमारा करंट आ गया है। ये तीनों को हम पहले कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। अब लाइट और सॉकेट को चाहिए न्यूट्रल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। पहले हम ब्लैक वायर का एक पीस लेंगे, ये आ गई, लाइट में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम कर देंगे इसको सॉकेट के अंदर कनेक्ट। ये अब हम लेंगे जी ब्लैक वायर जो सॉकेट से निकलेगी और मेन के साथ कनेक्ट हो जाएगी न्यूट्रल के साथ, ये हमारी होगी। इधर हमारा न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया, सॉकेट और लाइट को न्यूट्रल दी और न्यूट्रल का काम अब ख़त्म हो गया। अब हम देंगे स्विच के अंदर एक फेज़ की तार, रेड वायर, ये स्विच के अंदर हम दे देंगे, ठीक है। अब हम लेंगे जी दो पीस तार के, एक रेड और एक ब्लैक, जो स्विच के दोनों टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया एक टर्मिनल और ये हो गया नीचे वाला दूसरा टर्मिनल, दोनों के साथ इसको हमने कर दिया कनेक्ट। इसी तार के पीस के साथ हम अगला स्विच जो है वो लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और अगले स्विच के लिए हम दो पीस और लेंगे तार के, जो कि इसी तरह स्विच के दोनों टर्मिनल से लग के आगे निकल जाएंगे। ये आ गई हमारी ब्लैक, और ये आ गया जी रेड। इसके आगे हम स्विच लगा देंगे अगला स्विच, और इसी तरह दो पीस और लेंगे और इसी तरह इस स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे अगले स्विच के लिए। ये हमारे हो गए जी तीसरे स्विच के लिए, ये ब्लैक हो गई और ये हो गई रेड। ये रेड हो गई। अब इसी के साथ हम अगला स्विच कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे हो गए चारों स्विच कनेक्ट। अब हम इसको जो है मेन दे के देखते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। अब हम इसको देंगे जी मेन तार, करंट पावर की तार देंगे, और जो मोटर की जगह पे हम लगा देंगे बल्ब की तार चेक करने के लिए। ये मोटर की जगह पे हमने लगा दिया बल्ब, ये लग गया हमारा बल्ब, ठीक हो गया। अब हम पहले ऑन करेंगे इधर से, ये मोटर भी चल गई और लाइट भी ऑन हो गई हमारी, ताकि पता चले अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो कम से कम लाइट ऑन होगी, पता चलेगा कि हमारी कनेक्टिविटी ठीक है। इधर से हम बंद कर दें, ऊपर से पहले पोर्शन से चला लें, इधर से ऑफ़ किया, फिर दूसरे पोर्शन से चलाई, इधर से भी ऑफ़ किया, फिर तीसरे पोर्शन से भी चलाई और इधर से भी ऑफ़ किया। ये देखें जिस पोर्शन से भी आप चला रहे हैं नीचे लाइट ऑन हो रही है, ताकि नीचे वालों को भी पता चले कि ऊपर से मोटर ऑन है, ठीक है। इस तरह ये इसके आप जितने मर्जी इस तरह पैरेलल में स्विच आगे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे 10 करें चाहे 20 कर लें। तो ये है हमारी जो है वाटर पंप की चार जगह से ऑन ऑफ करने की वायरिंग। ये देखें दोबारा से, ये एक हो गया। अगर हम तीनों चारों इकट्ठे भी ऑन कर देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है,
कोई शॉर्ट सर्किट होने का कोई ख़तरा नहीं होगा। ये देखें, हमने चारों तरफ से ऑन किया हुआ है, कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरह आप अपने पोर्शन पे रह के अपनी जो है वाटर पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। ये है इसका तरीका।